हेलो प्रिय विद्यार्थियों, एक बार फिर स्वागत है आपका। हम लोग पिछले वीडियो में चर्चा कर रहे थे माइटोटिक स्पिंडल किस प्रकार से कार्य करता है, उसकी फिजियोलॉजी क्या है और उसकी वर्किंग क्या है, उसके बारे में हम आज बातचीत करेंगे। तो जब क्रोमोसोम्स एनाफेज में इक्वेटर से पोल्स की तरफ मूव करते हैं तो उस समय उनको बहुत ज़्यादा जो है वो एनर्जी और फोर्स की ज़रूरत होती है। और इट हैज़ बीन कैलकुलेटेड दैट 10^-11 डाइन फोर्स इज नीडेड टू मूव अ क्रोमोसोम फ्रॉम इक्वेटर टू द पोल्स। और ये जो पूरा डिस्प्लेसमेंट का जो प्रोसेस है इक्वेटर से लेके पोल्स तक क्रोमोसोम्स का, इसको लगभग 30 एटीपी मॉलिक्यूल्स की जरूरत पड़ती है। और जैसे हर क्रोमोसोम पोल वार्ड उनकी मूवमेंट होती है, जो माइक्रो ट्यूब्यूल है, काइनेटोकोर माइक्रो ट्यूब्यूल है, वो डिसअसेंबल होना शुरू हो जाता है। तो जैसे जैसे ये डिसअसेंबल होता है, किस तरह से ये वर्क करता है इसके बारे में कई थ्योरीज दी गई हैं। तो लेबल्ड ट्यूबुलिन यूज करते हुए इट हैज बीन फाउंड दैट जो लेबल्ड सब यूनिट्स हैं वो कॉन्टिन्यूसली जो हैं आपके ऐड होते रहते हैं। ठीक है, तो जैसे ये जहाँ मैं कर्सर मूव कर रहा हूँ, ठीक है, मेटाफेज के अंदर जो है ये आपके माइक्रोट्यूब्यूल है, ये आपके सेंट्रोमियर है, ये आपके क्रोमोसोम है। और जैसे हमें पता है कि ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स, ये यहाँ पे अटैच रहते हैं क्रोमोसोम के ऊपर, काइनेटोकोर सेंट्रोमियर के ऊपर प्रेजेंट काइनेटोकोर प्रोटीन्स के ऊपर जो हैं आपके ये माइक्रोट्यूब्यूल्स अटैच रहते हैं। तो यूजली क्या होता है कि जो पोलर एंड है वहाँ से तो माइक्रोट्यूब्यूल्स का सब्ट्रैक्शन होता रहता है और यहाँ से एडिशन होता रहता है। तो जैसे यहाँ 1 से लेकर 10 तक समझाने के लिए मैंने आपको दिखाया है कि यहाँ पे 1 से लेकर 10 तक जो सब यूनिट्स हैं इसके, यहाँ से 3 सब यूनिट्स रिमूव हो गई तो यहाँ पे 3 एंड हो गए। तो कॉन्टिन्यूसली जो है एक स्टेबल रहता है माइक्रोट्यूब्यूल की, जितनी यहाँ से सब्ट्रैक्ट हो रही है उतनी यहाँ से ऐड होती है। तो क्रोमोसोम जो है अभी इक्वेटर के ऊपर स्टेबल रहेगा और एक टेंशन क्रिएट होती रहती है जिसकी वजह से ये इसके ऊपर स्टेबल रहता है। तो इस तरह से जो है क्रोमोसोम जो है आपके मेटाफेज के ऊपर जो है वो स्थित रहता है। परंतु अब जैसे मूवमेंट शुरू होती है माइक्रोट्यूब्यूल्स की, ये जो काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं ये डिसअसेंबल होते हैं। तो 3 थ्योरीज इसके बारे में दी गई हैं। तो इससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा थोड़ा सा इस डिटेल में कि किस प्रकार से ये अरेंजमेंट होता है। तो ये जो है आपके ये सेंट्रोमियर है एक पोल का, एंड दिस इज द सेंट्रोमियर ऑफ अदर पोल। तो इससे 3 तरह के, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि 3 तरह के जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं वो निकलते हैं। एक जो अवे फ्रॉम इक्वेटर पोल से बाहर की तरफ निकलते हैं, ये माइक्रोट्यूब्यूल्स कहलाते हैं एस्टर माइक्रोट्यूब्यूल्स। और इनके अंदर कैल्शियम आयन, तो माइक्रोट्यूब्यूल फॉर्मेशन में कैल्शियम आयन्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। जैसे जैसे कैल्शियम आयन की मात्रा इंक्रीज होती है तभी माइक्रोट्यूब्यूल्स का फॉर्मेशन होता है। तो एस्टर माइक्रोट्यूब्यूल्स विच आर अवे फ्रॉम द इक्वेटर। और दूसरी जो एक पोल से दूसरे पोल तक कॉन्टिन्यूस एक माइक्रोट्यूब्यूल है, ये माइक्रोट्यूब्यूल कहलाते हैं पोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स। ठीक है, इससे पहले थोड़ा सा और मैं आपको बताना चाहूँगा कि इनके प्लस एंड और माइनस एंड क्या होते हैं। ठीक है, ये सेंट्रोमियर है, जैसे सेंट्रोमियर जहाँ मेरा कर्सर मूव कर रहा है, इनका ब्रॉड वाला जो एंड है ये नेगेटिव एंड है और जो आपके पॉइंटेड एंड है वो प्लस एंड है माइक्रोट्यूब्यूल का। तो ये माइनस, ये प्लस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, तो प्लस माइनस आपस में अटैच होकर एक कॉन्टिन्यूस जो है एक पोलर फाइबर जो है उसका निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार से जो है आपके, अब इसमें अगर आप यहाँ ध्यान से देखें तो जो पोलर माइक्रोट्यूब्यूल है, तो इस माइक्रोट्यूब्यूल का माइनस और इस माइक्रोट्यूब्यूल का प्लस ये आपस में बॉन्ड बना लेंगे। इसी तरह से इसका प्लस इसका माइनस ये आपस में बॉन्ड बना लेंगे। तो इस तरह से ये ऐसा प्रतीत होता है कि ये जो पूरा का पूरा माइक्रोट्यूब्यूल है एक पोल से लेकर दूसरे पोल तक कॉन्टिन्यूस जा रहा है। तो इस प्रकार के जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं ये माइक्रोट्यूब्यूल्स कहलाते हैं आपके पोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स।
तीसरे प्रकार के माइक्रोट्यूब्यूल्स जो हैं, जो सेंट्रोमियर, ये क्रोमोसोम है जो रेप्लिकेट हो चुका है आपके एस फेज के अंदर, ये सेंट्रोमेरिक रीजन है और ये उसके ऊपर काइनेटोकोर जो है वो आपके प्रेजेंट हैं। तो ये माइक्रोट्यूब्यूल्स जो आकर काइनेटोकोर पे अटैच होते हैं, ये आपके जो ट्यूब्यूल्स हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, ये माइक्रोट्यूब्यूल्स कहलाते हैं काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स। तो तीन तरह के माइक्रोट्यूब्यूल्स जो होते हैं उनका फॉर्मेशन होता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन। ठीक है, अब तो जैसे अभी हम बात की कि किस तरह से इसमें स्ट्रेस से जो है कॉन्टीन्यूसली रहते हैं, परंतु जैसे ही आपके एनाफेज में एंटर करती है कोशिका, तो दो थ्योरीज दे हैव बीन पोस्टुलेटेड। एक थ्योरी तो ये कहती है कि जो सब्ट्रैक्शन है माइक्रोट्यूब्यूल्स का वो केवल एक एंड पे होता है, यानी काइनेटोकोर एंड पे होता है, पोलर एंड पे नहीं होकर माइक्रोट्यूब ये काइनेटोकोर एंड पे। ठीक है, तो जैसे इस डायग्राम से आप समझने की कोशिश करें, ये सेंट्रोमेरिक रीजन, ये क्रोमोसोम, यहाँ पे अगर इसको हम नंबर दें तो 1 2 3 4 ये 10 9 10 तक जो हैं आपके माइक्रोट्यूब्यूल्स यहाँ अटैच हैं। तो सब्ट्रैक्शन, जैसे 10 वाला माइक्रोट्यूब्यूल हट गया, 9 वाला हट गया, 8 वाला हट गया, 7 वाला हट गया, 6 वाला हट गया, 5 वाला हट गया, तो जो काइनेटोकोर है वो फोर्थ जो आपके माइक्रोट्यूब्यूल मॉलिक्यूल है उसके साथ अटैच रहेगा। तो इस प्रकार से जो है शॉर्टनिंग हो गई और सब्ट्रैक्शन केवल कहाँ हो रही है, इस एंड पे हो रही है, विच इज़ काइनेटोकोर एंड ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल। तो जो काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं दे शॉर्टन ड्यू टू डीपोलीमराइजेशन एट वन एंड ओनली। ठीक है, और दूसरी थ्योरी ये कहती है कि जो सब्ट्रैक्शन है ये दोनों एंड्स पे होता है। तो जो काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं ये शॉर्टन होते हैं ड्यू टू डीपोलीमराइजेशन एट बोथ द एंड्स, पोलर और काइनेटोकोर दोनों। तो जैसे यहाँ 1 से लेकर 10 तक माइक्रोट्यूब्यूल मॉलिक्यूल्स हैं, तो इसमें क्या होगा, 1 2 3 इधर से रिमूव हो गए, 10 9 8 इधर से रिमूव हो गए, तो क्या रह गया, 4 5 6 7 जो हैं वो बीच वाले जो हैं वो रह गए, और ये इस तरह से क्रोमोसोम जो है वो पोलवार्ड मूवमेंट हो रही है, तो उसकी मूवमेंट जो है दोनों तरफ से। तो दो थ्योरीज इसमें दी गई हैं कि क्रोमोसोम्स का जो मूवमेंट है वो डीपोलेमर एक एंड पर डीपोलेमराइजेशन से या दोनों एंड पे डीपोलेमराइजेशन से जो है उसके द्वारा होता है। अब इसके बाद एक चीज़ और इंटरेस्टिंग है कि द मैकेनिज्म बाय विच द काइनेटोकोर ऑफ क्रोमोसोम मूव्स अप द स्पिंडल ड्यूरिंग एनाफेज इज स्टिल अननोन। बहुत ज़्यादा इसके बारे में नहीं है, बट 3 मॉडल्स दे हैव बीन पोस्टुलेटेड। पहला मॉडल ये कहता है कि जो काइनेटोकोर है वो हाइड्रोलाइज करता है एटीपी को टू मूव अलोंग इट्स अटैच्ड माइक्रोट्यूब्यूल्स। मैं अभी डायग्राम से आपको समझाने की कोशिश करूँगा ये किस प्रकार से होता है। तो क्या हो रहा है इसके अंदर, काइनेटोकोर एटीपी को हाइड्रोलाइज करता है, ठीक है, और इससे क्या होता है, प्लस एंड ऑफ द माइक्रोट्यूब्यूल वो डीपोलीमराइज हो जाता है जैसे ये एक्सपोज होता है। ठीक है, तो इसी को अगर हम डायग्राम के फॉर्म में देखें तो आपको एकदम से क्लियर हो जाएगा ये। तो ये आपको डायग्राम से मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये है आपके क्रोमोसोम, ठीक है, ये दिस इज द सेंट्रोमेरिक रीजन ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, ये दूसरी आर्म है क्रोमोसोम की, ये डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम इस डायरेक्शन में मूव करेगा। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होता है, यहाँ पे आपके जो काइनेटोकोर है इसके ऊपर एटीपी ड्रिवन माइक्रोट्यूब्यूल जो हैं वॉकिंग प्रोटीन्स। ठीक है, अब इसमें ये चीज़ इम्पोर्टेंट है, आप थोड़ा सा ध्यान से देखें, इस पे क्या होता है, एटीपी ड्रिवन माइक्रोट्यूब्यूल वॉकिंग प्रोटीन्स होते हैं, मतलब ये एटीपी यूज़ करेंगे एंड दे आर द वॉकिंग प्रोटीन्स। ठीक है, तो ये काइनेटोकोर, ये उसके ऊपर दो एटीपी ड्रिवन माइक्रोट्यूब्यूल वॉकिंग प्रोटीन्स हैं। ठीक है, इधर भी यहाँ पर वॉकिंग प्रोटीन्स है, तो जैसे जैसे ये वॉकिंग प्रोटीन्स आगे की तरफ वॉक करते हैं तो ये वाला जो पार्ट है यहाँ डीपोलीमराइजेशन होती जाएगी। ठीक है, तो फर्स्ट थ्योरी तो ये कहती है कि ये वॉकिंग प्रोटीन्स जो होते हैं ये इसको आगे की तरफ मूव करते जाएंगे और जो फ्री एंड्स हैं उनके वहाँ डीपोलीमराइजेशन होती जाएगी। ठीक है, सेकेंड थ्योरी जो है, जो अभी हम बात कर रहे थे, सेकेंड थ्योरी ये स्टेट करती है कि जो डीपोलीमराइजेशन है माइक्रोट्यूब्यूल्स का ये कॉज करती है काइनेटोकोर्स को मूव पैसिवली
टूवर्ड्स द पोलर एंड्स, ठीक है। और इसके अंदर जो है, इसके अंदर भी जो है एटीपी जो है उसकी ज़रूरत होती है। कैसे होता है ये फिर हम डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ये आपके क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम की एक आम है, ये क्रोमोसोम की दूसरी आम है, ये सेंट्रोमेरिक रीजन है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ क्रोमोसोम मूवमेंट। तो ये आपके जो हैं, ये आपके पोलीमराइज जो हैं माइक्रोटिब्यूल्स हैं। तो यहाँ पे काइनेटोकोर है, और यहाँ पे जो काइनेटोकोर है इसके ऊपर ऐसे प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं विच हैव हाई एफिनिटी फॉर पोलीमराइज्ड माइक्रोटिब्यूल्स। तो ये जो प्रोटीन्स हैं, ये प्रोटीन्स की पोलीमराइज्ड माइक्रोटिब्यूल्स के प्रति हाई एफिनिटी होती है। तो क्या होता है, तो जैसे ही ये इधर के ये जो फ्री एंड है, यहाँ से जो माइक्रोटिब्यूल्स हैं ये डीपोलराइज हुए, ये यहाँ तक डीपोलराइजेशन हो गई। डीपोलराइजेशन हो गया तो ये प्रोटीन फ्री हो गया, बिकॉज दिस प्रोटीन हैज़ हाई एफिनिटी फॉर पोलीमराइज। तो ये क्या करेगा, ये आगे की तरफ मूव करेगा, ये आगे की तरफ मूव करेगा तो सारे के सारे आगे की तरफ मूव करेंगे। जैसे ही आगे मूव किया, फिर यहाँ से ये वाला पार्ट जो है माइक्रोटिब्यूल्स का, ये डीपोलीमराइज हो गया, और इसके डीपोलीमराइज होने से यहाँ पे जो आपके प्रोटीन था वो आगे की तरफ मूव हो गया। तो यहाँ से डीपोलीमराइजेशन होती जाती है, और ये जो प्रोटीन्स हैं वो आगे की तरफ मूव करते जाते हैं, एंड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस दे विल ड्रैग अलॉन्ग विद देम द क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम को पोल की तरफ ड्रैग करते हुए आगे की तरफ चलते रहते हैं। तो इस प्रकार से जो है ये दूसरी थ्योरी है जो ये कहती है कि क्रोमोसोम्स का जो मूवमेंट है वो इस प्रकार से होता है। तीसरी जो थर्ड थ्योरी है वो ये कहती है कि इनके अंदर क्या होता है, एक सिस्टम ऑफ इलास्टिक प्रोटीन्स होता है। तो हमें पता है इलास्टिक की जो प्रोटीन, इलास्टिक की क्या होती है, वो आपके सपनी शेप में, अगर हम इलास्टिक को एक रबर बैंड को लेकर स्ट्रेच करते हैं तो फिर हम उसको रिलीज करते हैं तो वापस वो फटाफट अपनी शेप में आ जाता है। तो इसी तरह से ये तीसरी थ्योरी ये है कि यहाँ इनके ऊपर एक इलास्टिक प्रोटीन्स के फिलामेंट होते हैं जो जैसे इलास्टिक पोल्स की तरफ खींचती है, उसी तरह से ये अपने साथ पोल्स की तरफ जो है क्रोमोसोम्स को खींच लेते हैं। तो इस प्रकार जो है तीन तरह से जो है तीन थ्योरीज दे हैव बीन पॉस्टुलेटेड कि माइक्रोट्यूब्यूल्स का जो मूवमेंट है वो इस प्रकार से पोल्स की तरफ होता है। इस वीडियो में इतना ही, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट जो है आपके दूसरे टाइप की जो सेल डिवीजन है मियोसिस, उसके बारे में हम शुरू करेंगे मियोसिस, एंड देन उसके बाद हम बात करेंगे कि फिजियोलॉजी क्या है गैमेटोजेनेसिस की और फर्टिलाइजेशन की। तो ये आपकी जो है इस यूनिट के दूसरे भाग हैं। तो अभी तक के लिए ही थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।